वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ टूलिप सीरीज टेक्स्ट बुक से पोइम पढ़ने जा रहे हैं, द फाउंटेन। और ये जो पोइम है, इस पोइम को लिखा है जेम्स रसल ने। और इसमें जो फाउंटेन है, फाउंटेन फवारे को कहते हैं, इसमें फवारे का ये जो पोइट है, ये जो शायर है, के बारे में कह रहा है कि यानी फवारा हर मौसम में, जैसे भी हालात हों, हर मौसम में उसकी एक अलग चमक दमक होती है, यानी उसकी एक खुशो खरम दिखता है। तो ये यानी एक उसको दिखा रहा है कि किस तरह वो झूमता है, किस तरह वो उछलता है, किस तरह वो चमकता है। तो उस फाउंटेन यानी फवारे के बारे में ये कह रहा है। तो लेट्स बिगिन। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम ऑन द लाइट। कहस जो सनशाइन में, जब सूरज की चमक दमक में, पूरा जब सूरज आफ्ताब के साथ चमकता है, यानी सूरज पूरी तरह, जब सूरज की रोशनी खिल जाती है, पूरी लाइट होती है, पूरी रोशनी ही रोशनी होती है, तो उस हाल में भी क्या ये चमकता है, ये ऊपर उठता है ना, इसका पानी यानी जिस तरह फवारे से जैसे ये बाहर निकलता है ना, तो उस सूरज की रोशनी में ये जो निकलता हुआ पानी है, ये क्या नज़र आता है, जिस तरह मोती होती है, यानी चमकता, फ्लैशिंग, चमकता है। तो ये कब, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी मॉर्न कहते हैं सुबह को, टिल नाइट यानी सुबह से शाम तक, क्या ये वही जलवे बखेरता है ना, चमकता हुआ, उछलता हुआ। अब जब सुबह हो गई और सुबह ढल गई, नाइट आ गई, तो अब क्या हो रहा है, इन टू द मून लाइट वाटर द स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक वेन द विंड्स ब्लो। तो अब जब मून लाइट, अब जब मून चांद की रोशनी, जब चांद ने अपनी रोशनी बिखेरने लगी, जब चांद अपनी रोशनी बिखेरने लगा, तो ये ऐसा दिखता है बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद। इसका एक वो मंजर होता है, स्नो बर्फ को कहते हैं। तो उसके बाद जब विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं, जब हवा चलती है, तो फिर इसकी वो जो कतरे हैं, जिसको इसका वो जो पानी निकलता है इस फाउंटेन से, फवारे से, वो इस तरह घूमते हैं, इस तरह वो चलते हैं, इस तरह वो दिखाई देते हैं कि जिस तरह एक फूल जैसा दिखता है, यानी फूल जैसा मंजर ये पेश करता है। इस तरह यानी जब हवा चलती है, इस तरह इधर उधर होते हैं, एक वो नज़ारा उस किस्म का पेश होता है। तो अब रात पे फिर क्या होता है, into the starlight rushing and spray happy at midnight happy by day। तो अब रात को स्टार लाइट, जब स्टार यानी तारों की उस रोशनी में, उसमें भी है ना, ये इसकी जो वो बूंदे हैं, वो तेज़ी से निकलती हुई इसकी जो बूंदे हैं, इसके जो वो पानी है इस फाउंटेन से, इस फवारे से निकलता है, उसका अजीब मंजर दिखाई देता है, दिखता है। तो ऐसा महसूस होता है कि आधी रात को भी ये क्या है, यानी ये खुशी खुशी अपना काम कर रहा है, हैप्पी बाई डे, और दिन में भी ये खुशो हरम, खुश होगा, खुश खुशी दिखता है। कौन सा, यानी ये फाउंटेन, ये फवारा। तो आपने फवारा देखा होगा बहुत बार, है ना। तो अब क्या है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एवर इन मोशन ब्लडसम एक्चुअली स्टिल क्लाइमिंग हेवन वर्ड नेवर एवर। ठीक है, तो कहा हर बार, हर वक्त, हर ये क्या, ये हरकत में रहता है, यानी अपने काम में रहता है। काम इसका क्या है, पानी निकालता है, पानी इससे निकलता रहता है। और इसमें क्या, ये खुशो हरम और बड़ा, यानी ये इसके अंदर खुशी, यानी ऐसे दिखता है कि बिल्कुल यानी खिला हुआ, खुश दिखाई देता है कि हर वक्त ये क्या, जैसे ये
आसमान की तरफ, यानी आसमान पे है ना चढ़ने को ये जा रहा हो। तो नेवर एवरी, क्योंकि कभी है ना थकन इसके ऊपर नहीं आती है, ऐसा नहीं लगता है कि ये उकता गया, कि ये अपने काम से है ना काम करते करते है ना, हम एक ही किस्म का काम करते हैं, काम करते करते इंसान पे क्या आ जाती है, थकावट आ जाती है, हम थक जाते हैं है ना, तो फिर हम कहते हैं कि भाई थोड़ा आराम होना चाहिए, या इंसान उसे उकता जाता है, थक जाता है, लेकिन ये उस हाल में भी क्या है कि ये Heavenward. थकता नहीं है ना। वो अब फिर क्या होता है कि ये हमेशा यानी हरकत में ही रहता है और खुश हरम रहता है, और आसमान की सोए आसमान आसमान की तरफ ये क्या कलाई नहीं, यानी जैसे वहाँ की तरफ चढ़ता जाता है, और यानी किसी किस्म की इसके अंदर अफसुर्दगी नहीं आती है, थकावट नहीं आती है। तो ऐसे ही असल में ये कहने का मकसद है, यानी हम भी ऐसे ही रहें, हम भी अपने काम में थकावट ना लाएं, उकताएं ना अपने काम से, ना जरा पढ़ने से ना उकताएं, है ना। तो ऐसे ही तो ये इसको इसने फाउंटेन की एक जेम्स रसल ने यानी एक पिक्चर खींची है, एक हसीन। तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग पोइम है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम और देखेंगे और पढ़ेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं इस फाउंटेन के बारे में, कि फाउंटेन ये फवारा क्या करता है, ये कैसे खुशियाँ बखेरता है, या किस तरह ये खुश दिखाई देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसे ही खुशियाँ बखेरेंगे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस वालों के लिए, और पूरी ह्यूमनिटी के लिए। तो इसके साथ आज के लेसन इतना ही, तो नेक्स्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो यू कैन कॉमेंट। थैंक यू।